हाय गाइस, तो स्वागत करता हूँ आपका फिर से एक नए ब्लॉग पर। और आप जो देख रहे हैं गेटअप मेरा ठंडे वाला गेटअप है। तो गाइस अभी बहुत ज़्यादा ठंड चालू हो गई है नाइट के समय, तो अभी ठंडे वाला ब्लॉग में आपका बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूँ। और आज से ठंडे वाले ब्लॉग में आपको डेली से ब्लॉग दिखाई देते जाएंगे। तो गाइस अभी मैं गाँव से थोड़ी दूर मतलब मोरडंगरी और पांडुरंग के बीच में हूँ, और यहाँ से निकला हूँ पांडुरंग के लिए। और वहाँ पर मुझे कुछ टिफिन वगैरह देना था जिया जी को, तो वो देंगे हम। और वहाँ से गोलगप्पे खाने निकलेंगे, फिर वहाँ से कुछ ग्राउंड वगैरह पे जाएंगे हम जो पटाखे के मेले हैं, तो वो भी दिखाएंगे आपको ज़रूर से। और फिर वहाँ से आने के बाद क्या रोटेशन है कि गांव में कुछ प्रोग्राम है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपका आज का सीन। आप देख सकते हैं हमारा प्लान चेंज हो गया और हम अभी पहले इधर ग्राउंड में आ गए। ये देख सकते हैं यहाँ पर पूरी पटाखे की दुकान लगी है पूरा चारों ओर, मतलब हमारे एमपीएल पांडुना ग्राउंड में पूरा पटाखे की दुकान लगे। तो अभी फिलहाल इधर आ गए हम लोग, तो चलिए एक एक पटाखे की दुकान से आपको बुझाते हैं। हम पटाखे वगैरह तो लेंगे नहीं क्योंकि घर पर पहले 2000 के पटाखे ला लिए भैया ने, तो पटाखे वगैरह नहीं लेंगे हम। तो चलते अभी यहाँ से अभी समोसा खाने चलते और फिर थोड़े टाइम में अपने गांव में चलेंगे। तो चलिए निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं पहुंच चुका हूं हमारे जो फेवरेट शॉप है जो हरियर भोले हरियर स्वीट्स की, तो वहां हम पहुंच चुके हैं। अब यहां पर हम समोसा वगैरह खाएंगे। समोसा वगैरह और अभी हम कर रहे हैं नाश्ता और फिर निकलेंगे हमारे गांव में। अभी कुछ प्रोग्राम वगैरह है तो अभी जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। स्टार्ट भी नहीं हुआ था और ज़्यादा ठंडी होने के कारण मैं अभी रिटर्न चला, और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है, टाइम लग रहा था इसलिए मैं रिटर्न चला। अभी तो यहाँ से अभी हम घर निकलेंगे और सो जाएंगे, कल मॉर्निंग में मिलेंगे आपको एक नए अंदाज में। तो गाइस अभी तो फिलहाल तो करते हैं आपको बाय बाय, गुड नाइट, और मिलता है नेक्स्ट मॉर्निंग। और मैं अभी ऑफिस में आया हूँ, कल नाइट में जो ज़्यादा मज़ा नहीं आया इस कारण से हम वहाँ रुके नहीं, तो अभी ऑफिस में आए। अब भाई आज लक्ष्मी पूजन है तो साफ सफाई वगैरह करेंगे दुकान में, क्योंकि लक्ष्मी पूजन पर पूजा वगैरह होती है, तो अभी साफ सफाई वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं। तो दोस्तों साफ सफाई वगैरह करने के बाद में क्या हुआ कि कुछ काम आ गया था, वो दिन भर काम किया और शाम के टाइम मैंने अपने लिए दिए वगैरह ले लिया, क्योंकि दिवाली के पर्व पर दिए जलाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिया लिया और अपने गांव में आया और मैं अभी एक गांव में दिए जला रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप कैसा उठ रहा है।